झबरी गुमशुदगी का दिफा किया है भरपूर अंदाज में अदालत में? मतीउल्लाह जान, मैंने झबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। मैंने झबरी गुमशुदगी के नाम पे जो रियासत पे इल्ज़ाम लग रहे हैं उनका दिफा किया। तो ये जो लोग बाजियाब हुए, पहले आप अपने सवाल को, मैं क्यों पूछूं? आपने पूछा है कि बाजियाब कहाँ से हुए, किसकी तहवील में थे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इतना सा खामोश क्यों रहे? ये आप फिर उसी इल्ज़ाम को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले अपने सवालात को जब आप फ्रेम करते हैं, भाई मेहरबानी उसको भी सोचा करें। आपसे पूछ के तो सवाल नहीं फ्रेम करने, ये बंदे किधर थे, किसकी तहवील में थे, अदालत को पहले क्यों छुपाया गया था? जब मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ ना, आप लड़ने की कोशिश करते हैं। हम आपको अर्ज ये कर रहे हैं कि ये इल्ज़ाम है और आप इस इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना के पास से ये लोग, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? आप इस इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना चाहते हैं, हम नहीं देना चाहते। सीटीडी के पास नहीं थे ये लोग? हम करेंगे इंक्वायर, जब इंक्वायर कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे, बता देंगे। सर, निगरान हुकूमत ने किस आइन के तहत 6 महीने का वक्त गुजारा है 1977? निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ आज अदालत में पेश हुए और यहाँ से रवाना हो गए। उनको सख्त सवालात का सामना करना पड़ा।